ما بالي أن أبي ذر رضي الله تعالى قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأكثرون هو رب الكعبة فقلت فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أغبالا

क़ाबा की कसम वो लोग बड़े खसारे में है क़ाबा की कसम वो लोग बड़े ख़सारे में है मैंने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान कौन लोग हैं जो बड़े खसारे में हैं आपने ये सलाह तो ने फरमाया वो लोग जो बड़े दौलतमंद और सरमादार हैं उनमें वही लोग खसारे से महफूज है जो अपने आगे और पीछे और दाएँ और बाएँ हर तरफ खैर के मशारफ़ में अपनी दौलत को कशादा दस्ती के साथ खर्च करते हैं मगर दौलतमंदों और सरमादारों में ऐसे बंदे बहुत कम हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं अबूदर फ़ारी रवी अल्लाह फकर की ज़िंदगी उन्होंने इख्तियार कर रखी थी और ये उनके मिजाज और उनकी तबीयत के लिए यही बेहतर था आफरी सलातम ने जब वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने उनके इतमान की खातिर ये बयान फरमाया कि दौलतमंदी और सरमादारी जो बाहर बड़ी नेमत है लेकिन बड़ी कड़ी आजमाइश भी है दौलतमंदी और ये सरमाया और ये दौरा खुशहाली बजाय ये बड़ी अल्लाह की नेमत है लेकिन ये बड़ी आजमाइश भी बड़ी कड़ी आजमाइश भी है और सिर्फ वही बंदे इसमें कामयाब होते हैं जो इससे दिल न लगाए माल तो आ गया दौलत तो आ गई वही लोग इसकी शर से महफूज रहते हैं और वही लोग इस इम्तहान में कामयाब होते हैं जो इससे दिल न लगाए और पूरी कशादा दस्ती के साथ दौलत को खैर के मसारफ़ में खर्च करते हैं और जो ऐसा नहीं करेंगे वो अनजाम कार बड़े खसारे में उनका बड़ा नुकसान होगा तो रूदूल सलातम ने यह बताया कि ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नमत है लेकिन इम्तहान भी इतना बड़ा इम्तहान भी इतना बड़ा है इस कड़ी आजमाइश से वही खुश नसीब लोग कामयाब होते हैं और इसके शर से महफूज होते हैं जो दिल में माल की महाबत कश्ती है ना कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो सवारों को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते दौलत दाएं बाएं तो ठीक है लेकिन जब दिल में घर कर जाए तो दिल की कश्ती में जब आएगा तो ये ये यह सवार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा हलाक हो जाएगा तो पानी के लिए जिस तरह बख्ती के लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए पानी जरूरी है लेकिन शर्त है कि वो अपनी औकात में रहे अपने हदूद में रहे तब तो वो कश्ती के लिए बड़ी चीज है उसके बगैर कश्ती मंज़िल तक नहीं पहुंच सकती लेकिन अगर वो अपनी जगह छोड़ दे और कश्ती के अंदर आ जाए तो मुसाफरों के लिए हलाकत है तो दौलत अपनी जगह पर अच्छी चीज है लेकिन जब तक वो अपने हदूद में रहे जब तक आदमी हिम्मत करके उसको अपनी जगह पर रखे दिल न लगाए उससे दिल न लगाए और उसको खैर के कामों में अपनी आफत के खरवों साल की ज़िंदगी के, के संवारने में फर्ज करता है तो इसके हक में फिर तो माल बड़ी नहमत है तो हरू सलाम ने उन्हें यह बताया कि यह हकीकत समझो किरस फरमाने लगे हदूर सलाम ने फरमाया सदक़ा अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को ख़त्म करता है। बुरी मौत से महफूज करता है सदक़ा लतुफ़ रबतफा ये अल्लाह के गुस्से को और नाराजगी को ठंडा करता है और बुरी मौत से महफूज रखता है जिस तरह अल्लाह रबुल्ज़त ने मादी चीज़ों में या जड़ी बूटियों में तार रखी है किसी जड़ी बूटियों में क्या तसर है किसी की क्या खसूसियत है किसी के अंदर अल्लाह ने क्या तासी रखी है और सदियों से ये तसीर मौजूद है इसी तरह पैगम्बरों के वास्ते से अल्लाह ने हमें यह भी बताया कि आदमी के आमाल में अच्छे या बुरे अच्छे अखलाक या बुरे अखलाक उसकी भी तासीर होती उसके भी कुछ हसा उसके भी कुछ जैसे कहें कि असरात होते हैं जैसे जड़ी बूटियों में होते हैं मादी चीज़ों में होते हैं ये दवाई अगर अगर आप खाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा और अगर आपने ये जड़ी बूटी खाई तो इससे आपका ये मरद ख़त्म हो जाएगा ये तासीर अल्लाह ने उन मादी चीज़ों में रखी है इसी तरह पैगम्बरों के वास्ते से हमें ये ख़बर भी मिली अल्लाह के नबियों ने हमें ये बात भी बताई कि अच्छे और बुरे आमाल की भी तासीर होती है अच्छे और बुरे अखलाक के भी असरात और उसके भी नतज होते हैं तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्ला व् ने, ने फ़रमाया तबके के दो खासियत हैं तबके की भी दो खासियत एक ख़ासियत तो उसकी ये है कि आदमी कोई गलती कर बैठा कोई बुराई कर बैठा कोई ख़ता कर बैठा जिसकी वजह से अल्लाह का गज़ब इसकी तरफ मुतव है और अल्लाह की नाराज़गी इसकी तरफ मुतव है अब ये खुले दिल से सदका करेगा तो अल्लाह का गुस्सा इससे दूर हो जाएगा इस खदे में ये ताज़ी मौजूद है उसका यह असर मौजूद है अल्लाह की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी बात ये बताई इससे आदमी की मौत बुरी नहीं आती दो मतलब बुरी मौत के एक मौत तो बुरी मौत का मतलब तो यह है कि जिसे लोग बुरा मरना समझते जिसे लोग बुरा मरना समझते उस मौत से महफूज होगी और दूसरा मतलब यह होगा कि सत्ता खैरात करने से आदमी का खात्मा अच्छा होगा आदमी का खात्मा अच्छा होगा और भाई और क्या चाहिए आदमी का खात्मा अच्छा हो जाए तो और क्या चाहिए आदमी का ख़ात्मा अच्छा हो जाए जो अल्लाह को पसंद है और ऐसा ख़ात्मा हो जाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए तो और ज़िंदगी में चाहिए क्या यही तो असल सरमाया है कि वाले का के खात्मा अच्छा हो जाए बस मरना अच्छा हो जाए तो अल्लाह इज्जत ने यह तासीर रखी है कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और आदमी बुरी मौत से महफूज रहता है उब्दुल वसम फरमाया करते थे ऐशा फरमाती है एक दिन ऐसा हुआ कि एक बकरी ज़बा की गई और उसका गोश तकसीम कर दिया गया रसोल सल्लम ने फरमाया कि बकरी में क्या बाकी रहा बकरी में क्या बाकी रहा तो ऐशा ने अर्ज किया सिर्फ एक दस्ती बाकी रह गई बाकी सब मैंने तकसीम कर दिया एक दस्ती बाकी रह गई हतायशा फरमाती है मैंने कहा कि एक दस्ती बाकी रह गई बाकी सब खत्म हो गया आपने फरमाया इस दस्ते के अलावा जो अल्लाह के लिए तकसीम कर दिया गया असल में वो बाकी रह गया असल में तो वो बाकी रह गया और वो काम आने वाला है और इन श्ला वह हमेशा बाकी रहेगा मा इमद और मा इमद्ला बाग जो तुम्हारे पास है उस पर तो फना आ जाएगी और जो तुमने अल्लाह के ख़ज़ाने में महफूज़ कर लिया वह हकीकत में तुम्हारे लिए हमेशा महफूज़ हो एक अक्लमंद आदमी जब उसे उस्ताद ने पूछा इतने अरसे तुम तो मेरे हाथ ठहरे हो ठीक है क्या है कहा मैंने यही सीखा है कि आदमी के पास जो सबसे कीमती चीज़ ये पड़े संभाल के रखता है बहुत महफूज करता है तो मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के ख़जाने में महफूज कर लेता हूँ इसलिए कि मैंने ये आयत पढ़ी है कि जो तुम्हारे पास है वो तो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के ख़जाने में महफूज कर लिया हकीकत में वही महफूज़ हो बस अल्लाह हमें उस ज़िंदगी का यकीन नसीब फरमा दे बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उस हकीीकी ज़िंदगी का यकीन नसीब फ़रमा दे जैसे आदमी बैंक में पैसा रखता है और वहां के खास बक्स में पैसे रखता है तो आदमी कहता हैं ये इतने तो पड़े हैं ना कोई मत मतलब इतना तो महफूज है ना हाँ हालांकि यहाँ तो चोरी भी हो जाती है गड़बड़ भी कर लेते हैं अगर इससे ज़्यादा ये यकीन आ जाए कि अल्लाह के पास जो रखा है वो महफूज है बताइए फिर मुसलमान का क्या हाल होगा फिर मुसलमान का क्या हाल होगा और उसका क्या रवैया होगा अपने माल के बारे में अल्लाह ताला में यकीन नसीब फ़रमा दे और ज़िंदगी की सही इस्तेहज़ार और ध्यान नसीब फ़रमाए अल्लामद कुल्लू वाल का शिक्र कुल्लू अल्हुन इन्ना अला जिक्री को शिक्री खोआ हसन इबादती आइन् अला धिक्री को शिक्री ख़ुआ हसन इबादती नस्बत फिर वन نستغفر <applause> الله ونتوب إليه